तो दोस्तों स्वागत है आपका पबजी मोबाइल लाइट का एक और टूर्नामेंट वाले गेम प्ले में। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास बंदे पूरे 51 अभी हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में कोई एक बंदा अच्छी तरह से मौज कर सकता है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जैसे कि देख सकते हैं सही बंदे को नाम मैं आपको यहाँ पर बदले में करके दिखा दूँ, आप अपना नाम पढ़ सकते हैं। अगर आप भी इसमें है तो आप यहाँ पर अपना नाम देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं पबजी मोबाइल लाइट का टूर्नामेंट खेलकर पैसा कमाना तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पबजी मोबाइल लाइट का टूर्नामेंट खेलकर पैसे कमा सकते हैं या तो फिर BGMI का टूर्नामेंट खेलकर पैसे कमा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं पबजी मोबाइल लाइट के अंदर पैसे देकर बीसी खरीदना तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं या तो फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके खरीद सकते हैं। वेबसाइट लिंक और व्हाट्सएप नंबर दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं बंदे तो पूरे 51 है, तो देखते हैं आखिर सबसे अच्छा इसमें से कौन सा अपना प्रदर्शन दिखा पाता है। तो अभी मैं एक बंदे को यहाँ पर फोकस किया हूँ, ऐसे में हटकर कोई एक बंदे को देखता हूँ जो कि स्टेडियम की तरफ उतरे, क्योंकि दोस्तों स्टेडियम पर उतरने के साथ ही बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर लड़ाई होती है, इसलिए दोस्तों स्टेडियम में देखना थोड़ा अच्छी बात हो सकती है यहाँ पर हमारे लिए। तो यहाँ पर जैसे देख सकते बंदा कहाँ है, थोड़ा गिलीच वगैरह की वजह से दोस्तों देख सकते बंदा स्टेडियम मिल चुका है। स्टेडियम में सिर्फ दो ही बंदे उतरे, एक ही उतरा है और एक इधर कोई बंदा है। तो मैं ड्रोन व्यू में आपको दिखा दूँ कि ये चार नंबर का बंदा कहाँ है भाई। और एक बंदा वहां से टपक गया, बैठ अंकित ने मार दिया एक एक कोई एक नाम के बंदे को टपका दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टेडियम में तो बंद और इन सामने बजरंगी को भी टपकाते हुए नजर आ चुका है पूरी तरह से। और उसके साथ ही देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ मौज हो सकती है स्टेडियम में, तो हम स्टेडियम से थोड़ा अलग स्विच करते हैं और उसके बाद से कहीं और जाते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टेडियम में अभी हमको लगता नहीं है कि कुछ लड़ाई हो सकती है। तो दोस्तों आप फिर से मैं आपसे एक बात कर दूं, यदि चाहते हैं आप पबजी मोबाइल लाइट का टूर्नामेंट खेलकर पैसा कमाना तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पबजी मोबाइल लाइट का टूर्नामेंट खेलकर पैसे कमा सकते हैं। उसके लिए जल्दी से आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों ये दो बंदे टीम अप किए हैं, तो इनको तो पैसे नहीं दी जाएगी। अब गिलीच की वजह से थोड़ा बहुत देख सकते हैं लेकर आया है, कौन सा मौज है कुछ समझ में नहीं आ रही है। और इनके साथ ही एक बंदे दिखाई दिया हुआ है जो कि बगी से है, आप कुछ मौज कर सकता है बंदा। और यहाँ पे देख सकते हैं बंदे 47 हो चुके हैं, कितनी जल्दी जल्दी किल भी हो रही है, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है इतनी जल्दी जल्दी किल अगर हम देखते हैं। तो इसको थोड़ा हटाते हैं और इन शरवन पठान गेमर को टपकाते हुए नजर आया हुआ है, तो आई होप कि हम वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कौन सा मौज कर रहा है सबसे ज्यादा यहाँ पर। कि ओ भाई सो मतलब बंदा अकेले इधर, और दीपक को भी टपका दिया प्रो टाइगर ने यहाँ पर। जैसे कि आप देख ही सकते हैं बहुत ही शानदार यहाँ पर प्रदर्शन बंदे आज के इस वीडियो में दिखा रहे हैं। तो ये फिर एक बंदे को टपका दिया, MGL मेंटल ओपी को इनमी नाम का कोई बंदा टपका दिया और गौर नोबिता को सिंह ने टपका दिया। और फिर एक और यहाँ पर पूरी तरह से दमदार मौज के साथ यहाँ पर किल करते हुए नॉट हाइड्रा ने टपका दिया किसी बंदे को, और एक बंदा कूद कर मर गया और नॉट हाइड्रा ने अमर को टपका दिया। TX ने देख सकते सत्य बीडी को टपका दिया, बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा। ऐसे ही बंदे अगर जल्दी जल्दी टपकाते रहे तो वहाँ पर गेम हमारी खत्म होने में टाइम नहीं लगेगी। तो ये एक अच्छी अभी गेम पहले जा रही है, स्वीटी मून पर देख सकते हैं ये पानी के अंदर ही टपक गई बंदी, बहुत ही खतरनाक है। बस यूटी मुन्ने पानी के अंदर टपकते हुए नजर आई। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पर चौस काटन को हम क्लिक करते हैं और देख लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक और बंदा है, तो ये लोग में मौज हो रहा है या तो फिर टीम अप किए हैं, तो इन लोग को पैसे नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग ऐसा ना करें, टीम अप वगैरह वाला काम ना करें, वरना आपने पैसा भी लगाया आपका पैसा ही बर्बाद हो जाएगा, आपको पैसा भी नहीं दिया जाएगा। तो ये सब काम आप बिल्कुल भी ना करें। MGL क्राइम ओपी को मैं एक बार देख लेता हूँ, MGL क्राइम ओपी इधर अकेले में आकर मौज करते हुए नजर आया हुआ है। तो MGL क्राइम ओपी को देख लिया, MGL सागर ओपी पे भी एक बार क्लिक करता हूँ, MGL सागर ओपी को भी देख लेते हैं MGL सागर ओपी क्या कर रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये भी बंदा इधर अकेले में ही है, तो इन लोग को अकेले में रहने का थोड़ा बहुत आदत है, तो इनको हटाते हैं और देख सकते हैं जो बंदा यूज करे। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 37 बंदे बचे हुए हैं, यार कितनी जल्दी जल्दी बंदे टपके आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, 3 मिनट ही हुआ। और प्रो टाइगर ने भी क्रेजी आर्यन को टपकाते हुए नजर आया, बहुत ही शानदार यहाँ पर प्रदर्शन दिखाते हुए बंदे नजर आ रहे हैं। दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं पबजी मोबाइल लाइट का टूर्नामेंट खेल को पैसा कमाना तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ये होने की संभावना है, और देख सकते हैं रोक सोकर नाम का कोई बंदा हैकर, तो हम उस पर क्लिक करते हैं, क्या पता उसने इसको देख लिया है या नहीं देखा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा उस पर क्लिक करके देखता हूँ कि MGL सागर ओपी भी इधर ही है, तो अभी कुछ मौज हो सकता है। अगर MGL सागर ओपी भी आ चुका है तो ये लोग में कुछ ज्यादा ही यहाँ पर मौज होने की चांस है। और देख सकते हैं यहाँ पर बेड अंकित को टपकाते हुए टैक्स निमरा नजर आया हुआ है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ, और बंदे की यहाँ पर बहुत ही कमी हो चुकी है। और वहाँ पे आप देखिए दोस्तों इस बंदे को कैसे मतलब लुटते हुए नजर आया हुआ है घर में, और अंकुर है इधर, मतलब कि इधर तो कुछ बंदे हैं, तो कुछ यहाँ पर हो सकता है रोक्स होकर। तो मैं एक बार हैकर पर देखता हूँ, क्या पता है वाकई हैकर तो नहीं है, लेकिन दोस्तों जहाँ तक लग रहा है क्या मौजूद है भाई इसका लेकर क्या,
तो हैकर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए तो छिपे हुए है। अगर छिपा हुआ इसका मतलब है कि नहीं, ये हम लोग ने कंबल अंगेरा को टपकाते हुए नजर आया, बहुत ही शानदार यहाँ पर ये हम लोग ने भी अपना प्रदर्शन दिखाया। मतलब बंदे आजकल कुछ अच्छे खासे प्लेयर भी हो चुके हैं, और यहाँ पर 999 से ज़्यादा पंप यहाँ पर किए हैं, और 999 से ज़्यादा गॉड वाइटी वाले को देख लिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, CRF आदि को देखते हैं, और ये लोग टीम अप किए हुए हैं दो बंदे, तो इन लोगों को तो पैसे नहीं दिया जाएगा। CRF आदि और साथ में यहाँ पर सनी वाइटी, बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ गाड़ी पे लोग मारते हैं, और तीन बंदे यहाँ पर टीम अप किए हैं क्या? तो ये गलत बात है यार, टीम अप वगैरह आप लोग बिल्कुल भी ना करें, टीम अप करने के साथ आपको पैसे बिल्कुल भी ना दिया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखें। तो आई होप कि तीन बंदे इधर टीम अप किए हैं, तो तीन बंदे उधर भी ना कर ले टीम अप। और यहाँ पर देख सकते हैं TS निमरा ने भी एक और बंदे को टपकाते हुए नजर आया हुआ है, रोहित नाम के बंदे को। 33 बंदे बचे हुए, तो ऐसे ही अगर मैच होती रहे तो कुछ अलग ही मौज हो सकती है। पबजी गेमर YT भी इधर है, क्रेजी ठाकुर भी है, तो आप जैसे कि देख ही सकते हैं दोस्तों। अगर कस्टमर रूम में थोड़ा बहुत और यहाँ पर कस्टमाइज किया जाता पबजी मोबाइल की अलग तरफ से, तो एक अच्छी बात हो सकती थी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार यहाँ पर बॉम्ब के साथ दोनों बंदे पबजी गेमर ने खुद ही ग्रेनेड चलाया, और ग्रेनेड से दोनों बंदे टपक चुके बहुत ही, और ये देख सकते आ रहा है ऊपर और आने के साथ नीचे, और बहुत ही शानदार यहाँ पर सिमी YT ने पबजी गेमर राज्य YT को टपकाते हुए नजर आया हुआ है, और यहाँ पर उसकी पेटी बना दिया आप जैसे कि देख सकते हैं। क्रेजी फंडा है इधर, और यहाँ पर सिमी YT भी है, बहुत ही शानदार यहाँ पर तीन तीन बंदे हैं, तो तीन तीन बंदे इन्होंने इस साइड में टीम अप किया है। आई होप जहाँ तक हमको उम्मीद है कि इन्होंने ही टीम अप किया है, तो टीम अप करने वालों को तो पैसे नहीं दी जाएगी। अब हम देख ही लेते हैं कि क्या होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने टीम अप तो किया है, तो ये लोग टीम अप वाले को हम यहाँ से इग्नोर करते हैं और कात्या पे क्लिक करते हैं। कात्या को भी एक बार देख लेते हैं, क्या पता कात्या कुछ मौज करे। और यहाँ पर देख सकते हैं एंजल सागर ओपी को पूरी तरह से बाहर करते हुए कार्टे नजर आया हुआ है, और एंजल सागर ओपी अपने गाड़ी लेकर वहां से भाग चुका है, और गोद नोबिता YT भी टपक चुका है, शाहजादा ने उसको टपकाया है, बहुत ही शानदार। और यहाँ पर सागर ओपी यहाँ पर बगी से घूमते हुए नजर आ चुका है, तो सागर ओपी को हम एक बार देखते हैं। सागर ओपी नहीं, कोई और था एंजल, हाँ यही है सागर ओपी है, जैसे कि देख सकते हैं इधर आया हुआ है। B-Lake M416 का कुछ अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाया था, लेकिन B-Lake M416 अभी 0 किल किया है, अब पता नहीं क्यों ऐसा किया। क्रेजी पंडा ने इन्हें भी को टपकाते हुए नजर आया हुआ है, बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे बंदे अभी 28 बच चुके हैं, मतलब इतनी जल्दी जल्दी अगर किल होती रहे तो मजा आ जाएगा। प्रो टाइगर ने MGL सागर ओपी को टपका दिया यार, प्रो टाइगर ने बहुत ही शानदार यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ प्रो टाइगर YT ने भी टपका दिया MGL कराई ओपी को। एक बार मैं देख लेता हूँ, और ये भी अभी भी टपक सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कौन सा दुबंद है, कात्या है, कात्या है, और इधर हमारा MGL कराइम ओपी, तो कात्या को देखते हैं कात्या कौन सा यहाँ पर कत्या कर रहा है। तो आप ऐसे ऐसे की देख ही सकते हैं, कात्या हमारा ये रहा, और कात्या को आई होप की कोई गाड़ी वगैरह यहाँ पर मिली है या तो फिर नहीं मिली है, तो कुछ कह नहीं सकते। तो देखिए दोस्तों, कात्या को एक गाड़ी मिली हुई है, और यहाँ से और एक बंदा गुजरते हुए नजर आया हुआ है, बहुत ही शानदार है यहाँ पर, और MGL कराइम ओपी बहुत ही स्प्रे देते हुए यहाँ पर आया हुआ नजर। गाड़ी चाहे तो भड़का सकता है, अगर यहाँ पर कुछ और गोली लगी तो गाड़ी भड़क सकती है, तो अगर लगातार गोली गाड़ी पे पड़ती है तो यहाँ पर गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी, जिससे कि MGL कराइम ओपी को एक किल मिल सकता है वहाँ पर। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये हम लोग ने रोम सिंह को टपका दिया, बहुत ही शानदार, ऐसे ही मारते रहो एक दूसरे को जल्दी जल्दी। और यहाँ पर देख सकते हैं सर्वर ने भी गुरु भाई को मार दिया, और यहाँ पर टीम अप करने की पूरी तरह से कोशिश में है, और देखते हैं अगर टीम अप कर लेता है तो पैसे तो नहीं दिया जाएगा, पूरी तरह से कोशिश में कुत्ते हुए नजर आया हुआ है ये बंदा, आप जैसे कि देख ही सकते हैं, और इसको हम इग्नोर करते हैं। और इधर देखते हैं MGL कराइम ओपी क्या करता है, यहाँ पर जोन आ चुकी है, जोन आने के साथ यहाँ पर MGL कराइम ओपी कुछ, और इन सर्वर ने विक्रम को भी टपका दिया, और अवरोक सरकर ने कात्या को टपका दिया, बहुत ही शानदार यहाँ पर 23 बंदे बचे हुए हैं, और ऐसे ही अगर किल होती रहे तो गेम 10 मिनट के अंदर ही खत्म हो सकती है। तो देखते हैं दोस्तों अभी टाइम कितना लगता है एक गेम को खत्म होने में, अभी तो 8 मिनट ही हुआ है, अब देखते हैं दोस्तों कितना तक टाइम लग जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आसूस नाम का बंदा जो है, आसूर मस्क नाम का बंदा टीम अप करने की कोशिश किया MGL कराइम ओपी के साथ, MGL कराइम ओपी देखते हैं अगर यहाँ पर टीम अप कर लेता है तो दोनों में से किसी को भी पैसे नहीं दिए जाएंगे। वैसे भी MGL कराइम ओपी आई होप की कितना किल किया, 0 किल किया है, जैसे कि देख सकते हैं कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं हमको दिखा। शहजादा ने भी मार दिया खूनी बोर्ड को, और यहाँ पर पूरी तरह से ग्रेनेड का बार करते हुए नजर आ चुका है हमारा MGL कराइम ओपी, और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं सीढ़िया पर है, तो ये एक अच्छी पोजीशन हो सकती है अगर कोई बंदा ग्रेनेड वगैरह करता। बहुत ही शानदार MGL कराइम ओपी ने आसूर एक मोटर को टपकाते हुए बहुत ही शानदार अपना ग्रेनेड का वहाँ पर बार दिया यार, ऐसे ही ग्रेनेड चलाते, ग्रेनेड बहुत ही काम करता है दोस्तों। मैं आपसे यही कहूँगा, आप मोली और ग्रेनेड को बिल्कुल भी ना छोड़े, और इसमें
एक को भी ना छोड़े, क्योंकि दोस्तों ये तीनों बहुत ही काम का चीज है। और जो स्टंट ग्रेनेड है जो कि स्मोक वाला है जिसमें कि थोड़ा देख लिए आंख बंद हो जाता है, उसको भी आप अच्छे से इस्तेमाल करना जान जाते हैं तो भी एक अच्छी खासी आपके लिए काम। ओ भाई ये कौन सा मौजूद, ओ भाई आपने देखा है कुछ अलग यहाँ पर मौजूद, यार कुछ समझ में नहीं आया क्या है मौजूद। और यहाँ पर शहजादा ने खूनी बोर को टपका दिया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुई थी हमको कुछ समझ में नहीं आ सकता है। क्रेजी पांडा ने बम से प्रो टाइगर को टपका दिया, बहुत ही अच्छा यार बहुत। और विले कैंपोसिटी ने आज कुछ नई मौज किया है। और सीआरएफ आदिल आदिल ए तीन बंदे यहाँ पर चिकर मतलब जो है टीम अप किए हुए हैं, तो इनमें से अगर एक भी बंदा टपक जाता है तो इनकी टीम बहुत ही कमजोर हो जाती है। और एक जरूरी बात दोस्तों, इन लोग का टीम कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है। और सीमी वाइटी, हाँ सीमी वाइटी नाम का बंदा और ये लोग मौज ही किए हैं। तो किचरा भाई की चार दो गाड़ी से थोड़ा सा गलती गाड़ी से इन लोग की चढ़ जाएंगे। और यहाँ पर इसको मिल चुकी है आरपीजी, तो आरपीजी से कुछ मौज कर सकता है तो ये गलत बात होगी। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, आरपीजी फिलहाल के लिए तो बैन नहीं है। और यहाँ पर निन्यानवे नंबर से ज़्यादा बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए यहाँ पर नजर आया हुआ है। और वहाँ पर एक बंदा टपक गया और इन्हीं में से कोई बंदा एक को अगर बार मिलती है छिटका जी तो यहाँ पर ओ भाई सीमी वाइटी ने शहजादा को टपका दिया। शहजादा ने भी अपनी पूरी तरह से दम दिखाया हुआ है यहाँ पर है, तो बहुत ही अच्छा भाई शहजादा भाई ने बहुत ही अच्छा अपना यहाँ पर प्रदर्शन दिखाया। तो हमें शहजादा भाई को इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं कि उनका प्रदर्शन कुछ खराब तो नहीं था यहाँ पर, लेकिन अगर तीन बंदे एक साथ मिल जाएंगे तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे जगह पर ग्रेनेड का इस्तेमाल ले सकते थे अगर उनके पास ग्रेनेड है। बीले कैंपस सिटी को अंकुर ने टपका दिया जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो गाइज ऐसे जगह पर मैं आपसे बता ही रहा हूँ कि आप ग्रेनेड का इस्तेमाल ले सकते हैं, एक अच्छी खासी आपके लिए चीज़ हो सकती है ग्रेनेड का इस्तेमाल लेना। और एंजल कराई ने अंकुर को टपका दिया, बहुत ही शानदार एंजल कराई ने यहाँ पर। एंजल कराई पर मैं स्विच करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। और पूरी नेम ने आई हेट यू को टपका दिया। तो गाइज बीच में हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी पता नहीं किस कारणवश से, तो हम तो आपको नहीं दिखा पाए यार, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों कि यहाँ पर बंदे बचे हुए 11 और 11 बंदों में से कोई एक ही बंदा यहाँ पर ज़्यादा मौज कर सकता है। क्या अच्छा अच्छी यहाँ पर पोजीशन है। अब बीच में थोड़ा बहुत पता नहीं किस लिए स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो गया था, मैंने तो ध्यान दिया नहीं था, तो इसलिए दोस्तों हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। लेकिन दोस्तों अभी कोशिश करेंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डर पूरी तरह से चले और बीच में बंद ना हो, बहुत ही यार घटिया महसूस होती है वहाँ पर। और यहाँ पर जैसे गाड़ी से आर कर नज़र आया हुआ है, अगर एक भी गाड़ी पर गोली पड़ी तो गाड़ी की धज्जिया भी उड़ सकती है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 619 पठान प्रो इमरान और उसके साथ ही ये लोग का एक टीम ही है जो कि टीम अप वाला टीम है। चार बंदे टीम अप कर लिया क्या, तो मैं एक बंदे पर अगर स्विच करता हूँ तो वहाँ से मुझको पता लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार यहाँ पर पूरी तरह से गाड़ी पर टपका दिया यार, गाड़ी पर से इन सर्वों ने इन सर्वों को ही खुद से ही गाड़ी पर से कूद गया। ओ भाई खुद से ही कूद गया, मतलब कि खुद से कूद गया भाई बंदा। और सी एफ आ रही यहाँ पर देख सकते हैं, और एक और बंदा गाड़ी से आया हुआ है। और यहाँ पर गाड़ी अपनी पूरी तरह से ले जाते हुए नज़र आया हुआ है। अगर गाड़ी से चाहे तो इन लोगों पर बाहर कुछ कर सकता है, अपना अलग एक मौज कर सकता है ये। लेकिन दोस्तों गाड़ी लेकर भाग गया, अगर गाड़ी का एक भी चक्का पड़ जाती है किसी पे तो बंदा पूरी तरह से मर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर आरोप शेखर ने फिर से हर्षी कातिल को टपका दिया बहुत ही। और यहाँ पर देख सकते हैं क्रेजी पंडा ने 619 पठान को टपका दिया, गाड़ी भड़का दिया AWM से टपका कर। प्ले जोन में प्रो सावन भी टपक चुका है और यहाँ पर बंदे बचे हुए 7 और ये हम लोग हैं आरोप शेखर है, तो इन लोगों की टीम ही है। तो टीम में देखते हैं दोस्तों, मैं एक बार यहाँ पर एंजल क्राइम पर क्लिक करता हूँ। एंजल क्राइम पूरी तरह से जोन में फंसा हुआ है और आरोप शेखर ने CRF आदिल को मार दिया बहुत ही। उन लोगों में से अगर टीम वाले में से एक बंदे को टपक चुके हैं तो अभी 2 बंदे हैं, तो 2 बंदे में कोई ज़्यादा पावर नहीं होती है। एक बंदा चाहे तो 2 बंदे को बड़े ही आसानी से टपका सकता है अगर एक पे गोली मारता है, अगर एक पे नहीं भी लगता है लेकिन दोस्तों एक पे ज़रूर लग सकता है। इसलिए दोस्तों टीम अप तो लोग किए हैं और इनसे भी गलती हो सकती है, थोड़ा सा गोली इधर उधर हुआ तो ये लोग एक तो आराम से टपक जाएगा, कोई बात नहीं भाई। क्योंकि दोस्तों टीम अप करने से ये तो नहीं दिखता है ना कि आपने वहाँ पर टीम अप किया या नहीं किया है, तो गोली आपका चलना चाहिए, उसको लगना चाहिए तो फिर नहीं लगना चाहिए। टीम अप भी कर लिए तभी तो आपका गोली निकलेगा ही, बंदे को लगेगा ही, तो आप इससे समझ ही सकते हैं। अभी कोई बंदा और टपकने वाला है और प्ले जोन से आर से कर टपक गया और हम लोग। और यहाँ पर जैसे कि देख ही सकते हैं बंदे बहुत ही यहाँ पर शानदार प्रदर्शन अपना दिखाए हुए हैं, 5 बंदे अभी बचे हुए हैं। और यहाँ पर क्रेजी पंडा भी आई होगी टपकने वाला है, क्रेजी पंडा को कौन इधर से स्प्रे दे रहा है, हम लोग है सीमी वाइटी एंजल क्राइम ओपी है, तो देखना तो बनता है दोस्तों इन लोगों में से कौन सबसे ज़्यादा मौज कर दे पाता है। और ये देखिए दोस्तों हमारा, और यहाँ पर मोली का स्प्रे करते हुए यहाँ पर क्रेजी पंडा नज़र आया हुआ है, तो ये कहाँ मोली कर रहा है कुछ समझ में हमको तो नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ आइडिया लगा या हो सकता है या तो फिर नहीं भी लगा हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों स्मोक,
अगर ये स्मोक है तो एक अच्छी बात हो सकती है, अगर आपके पास ज़्यादा स्मोक है तो आप चारों तरफ स्मोक स्मोक फैला दीजिए। और यहाँ पर प्रो इमरान को हम लोग ने टपका दिया बम से, और यहाँ पर एक से प्रो इमरान को सिमी वाइटी ने भी मार दिया AWM से। यार ये कैसे मौज हो गया, एक बंदे को दो दो बंदे कैसे मार सकते हैं यार। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते तीन बंदे बचे हुए, और तीन में से यहाँ पर सिमी वाइटी, MJ क्राइम OP और साथ में क्रेजी पंडा। अब इन तीनों में से कोई एक ही तो अपना अच्छा खासा प्रदर्शन यहाँ पर दिखा सकता है। जो भी चिकन डिनर करे एक भाग्यशाली होगा जो कि चिकन डिनर करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये सो कर उठने वाला से बंदों को बहुत जल्दी पता लग जाता है, इसलिए आप ऐसा ना करें। और उधर से कोई बंदा इसको बार करते हुए नजर आया हुआ है। और ये देखिए दोस्तों सिमी वाइटी को MJL क्राइम OP ने पूरी तरह से स्प्रे देते हुए, और यहाँ पर क्रेजी पंडा ने MJL क्राइम OP को टपका दिया। मैच है इंडेड। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते क्रेजी पंडा ने 4 किल के साथ चिकन इनर, MJL क्राइम OP ने भी 3 किल किया, यहाँ पर किया है सिमी वाइटी ने 3 किल, जो कि मतलब टीम अप किया तो उनको तो पैसे नहीं दिया जाएगा। 8 में से यहाँ पर जैसे कि देख सकते सही बंदे ने, यहाँ पर आरुख शेखर ने भी एक अच्छी खासी प्रदर्शन दिखाई है। मैं सबका नाम का स्क्रीन शॉट यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि आप लोग को डिस्टर्ब ना हो ये जानने में कि आपने कितना किल किया कितना किल नहीं किया। तो आप लोग घबराए नहीं, मेरे पास सबका स्क्रीन शॉट रहता है कि किसने कितना किल किया है कितना नहीं किया है। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं पबजी मोबाइल का टूर्नामेंट खेल कर पैसा कमाना तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डिस्प्ले पर दोनों जगह प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी साथ हम इस वीडियो करेंगे स्वागत, मिलते हैं आप सबके वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। रोक दबा।